सेलिब्रेशन में है, लेकिन उससे पहले जो हमारी प्राथमिकता है वो CAA का समर्थन है, क्योंकि ये सब ये हमारे हित में ही जो है कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या संबंध है, या क्या वो 20 घंटे का कार्य कर रहे हैं रोज, उनका पर्सनल क्या हित है उसमें? मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सनल उनका कोई हित है इसमें। शीतल जी एक मिनट, हमारे बीच हमारी रंजना जो आ चुकी है, ये हमारा प्राथमिक दायित्व है कि हम सबको समर्थन मिले, इस बात को समझे। पहले तो हमें ही इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि एक्चुअली है क्या। जब तक हमें ही नहीं इसके बारे में पूर्णतः जानकारी होगी, तो हम आगे सामने वाले को क्या इसके बारे में समर्थन, कि हम सब बिना जानकारी के तो नहीं, पूरी जानकारी पहले इसके संबंध में ले ले, सब कुछ जान पड़ताल कर ले, और उसके बाद अपने सारे निकटतम संबंधियों को, अपने पड़ोसियों को इसके बारे में समर्थन के लिए राजी करें, हम तैयार करें, और वो भी आगे हमको ये दायित्व है कि हमको 100 परिवारों में जाना है, आगे जिनको हम तैयार कर रहे हैं वो भी आगे 100 परिवारों में जाना है। इस तरीके से एक श्रृंखला बन जाए, एक लड़ी बन जाए, कि हम सबको, फिर पूरा देश ही इस CAA के समर्थन में हो जाए। ये हमारा दायित्व है, और मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी। हमारे सब बड़े वरिष्ठ बैठे हुए हैं, वो आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। बस यही कहना चाहूंगी कि आज जब हम इकट्ठे हैं, इंदु सेठी जी, जैसा कि आज आपने बसंत पंचमी कार्यक्रम रखा, क्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है आज का? मेन उद्देश्य मेरा आज के कार्यक्रम का था कि हम लोगों को जो ग्राम स्वराज योजना का, जिसको कि अब हम लोग नगर स्वराज योजना कह रहे हैं, इसके तहत भी मैंने जिन बहनों को इसकी जिम्मेदारी दी हुई थी उनको भी बुलाकर, और उनका सब पूछना है कि कितने आप लोगों के वहाँ पे प्रवास हो चुके हैं, क्योंकि कि हम लोगों को 8-8 प्रवास करवाने थे 2 महीने। 1 दिसंबर से ये कार्यक्रम शुरू होकर पहले 30 जनवरी तक था, लेकिन अब वो कार्यक्रम हमारा 11 तक बढ़ गया है, 11 फरवरी तक, क्योंकि कि हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वहाँ पे उस समय जयंती होगी, तो उसी पे हमें इसका सत्यापन करवाना है। और साथ ही साथ CAA के बारे में मैं अपनी सारी जानकारी दूंगी, जो कि हम लोग ये अपने सबसे मोबाइल से उनके नंबर पर मिस कॉल करवाएंगे, जो कि है 8886268662, उस पर उनका, फिर साथ ही उनका क्या लगता है आपको कि जो आपका CAA बिल कानून आया है, इसमें आपको मिस कॉल कराने की जरूरत पड़ रही है? जगह जगह बीजेपी सत्ता रहते हुए, जबकि पूरे भारत में अच्छी पोजीशन पे है बीजेपी, बहुत ही कम जगह पे ऐसा है कि अदर पार्टियां हैं, उस कंडीशन में भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है समर्थन के लिए, ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं CAA का जो समर्थन क्यों करना पड़ा? मुझे CAA का पूरा फुल फॉर्म बता दीजिए क्या है। इसलिए करवाना, पहले तो आप इंदु जी ये बता दीजिए CAA है क्या चीज। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जी, जिसके लिए पहले बिल बनता है CAB, उसको हम लोग सिटीजन अमेंडमेंट बिल कहते हैं। पहले बिल होता है, फिर जब वो हमारा राष्ट्रपति से साइन हो जाता है, तो वो हमारा एक एक्ट, हमारा एक कानून बन जाता है। उसके लिए हम लोगों को, जो दूसरी हमारी पार्टियां हैं विरोधी, वो लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, और वो इस तरह से बताया जा रहा है उन लोगों को कि आप लोगों को यहाँ की नागरिकता नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं इस बिल में एक्ट 14 का भी उल्लंघन है? मैं नहीं समझती हूँ कि उल्लंघन है। नहीं, विरोधी पार्टी कह रही है आप, विरोधी पार्टी तो ना जाने तो ये क्या, तो जस्टिस की बात है, क्या क्या कह रही है विरोधी पार्टियां, तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन क्या वैसा है? जैसे पहले 370 अगर हटाया गया था कश्मीर से, तो तब भी कहा गया था कि ये कश्मीरियों के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन अब जो कश्मीरी पंडितों के साथ तब उस समय हुआ था, उसका बदला आज आप देखिए कि सब अपने आराम से रह सकते हैं। देखिए, जैसा 370 हटा तो भी मुस्लिमों ने विरोध नहीं किया, समर्थन किया। 3 तलाक बिल आया तो भी उन्होंने समर्थन किया। ऐसा क्या हो गया CAA आने पर, विरोध करने पर सड़कों पर उतर रहे हैं? एक्चुअली वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस एक्ट में उन लोगों को ये कहा गया है कि आपकी नागरिकता नहीं मिलेगी यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, या जिनके लिए यहाँ पर सारे, आप देखिए कि राष्ट्रपति से लेके, हमारे मंत्री से लेके, हमारे केंद्र से लेके, प्रदेश से लेके, सब जगह मुसलमानों को क्या उच्च पद पर नहीं उनको दे रहे हैं? वहाँ पर स्थान मिल रहा है ना सबको, तो मुसलमानों को यहाँ पर मिसगाइड करा जाए।
जी आज के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से तो बसंत उत्सव और फिर जो इस समय जो सीए का जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया उसके उपलक्ष्य में फिर हमारे दोनों ही कार्यक्रम, और वैसे भी हम लोग की ना मंथली मीटिंग होती है। अच्छा। तो फिर ठीक है, हम लोग मिले नहीं थे, इधर सर्दी भी बहुत थी, तो फिर इस बहाने प्लस सीए और प्लस बसंत पंचमी पर एक अच्छा सा कोई संदेश दे दिए जो लागू के लिए शुभकामनाएं, पर विशेष रूप से तो हमारे सब देशवासियों विशेष रूप से बुद्धिजीवी और आप पत्रकार बंधुओं को कि जो सीए जो कानून जो बनाया है सरकार ने उसके लिए मतलब उसके पक्ष में मतलब आप लोगों को उसमें क्या लगता है और उसके पॉजिटिव माहौल बनाएं और उसकी जो गलतफहमियां हैं वो दूर करें। वो नागरिकता लेने का बिल नहीं है, वो नागरिकता देने का बिल है, जो कि चाहे बांग्लादेश से जो लोग आए और चाहे पाकिस्तान से जो लोग मतलब शुरू में आए और अफगानिस्तान से आए, क्योंकि वहाँ पर तो वो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे जैन हैं, चाहे बौद्ध समाज के लोग हैं। क्योंकि एक बात ये इसमें कही जा रही है कि इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया, मेन जो बात है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी जो परिचर्चा सुनते होंगे तो मुस्लिम और सारे देश हिंदू देश कितने हैं आप बताइए, मतलब ऐसा तो नहीं है। वहाँ अन्याय किसके साथ हो रहा है, वहाँ पाकिस्तान किसके साथ अन्याय हो रहा है, आप भी टीवी देखते हैं, आप लोग तो हम लोगों से ज़्यादा जानकार हैं। तो वहाँ पर हिंदू लड़कियों का अपहरण, कश्मीर में इतना सब कुछ हुआ, कोई बोला? मुझे लग रहा है कि मोदी जी का जो प्रभाव है या मोदी जी की जो जन कल्याण की योजना है उससे विपक्ष घबरा गया है और उनको लगता है एन केन प्रकरण है, मतलब किस तरह हम सत्ता को, जैसे कि उस समय भ्रष्टाचार के बाद तो 14 में एकदम ऐसा माहौल था, वो माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं और जो सांप्रदायिक सद्भाव का जो माहौल है। कल जो धरने प्रदर्शन में गोली चली उसको क्या मानते हैं आप? अब मैं बिजी थी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा तो उसका वो तो कोई भी असामाजिक तत्व है वो हो सकते हैं, वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की बात हो सकती है, पर मेन ये बात हमारा दायित्व तो बनता है कि गलतफहमियां दूर हो। और वो शायद मोदी जी उनको लग रहा है अगर अब किस तरह से हम होते, पर अभी तो संसद में बिल पारित हुआ, अभी 19 में पूर्ण बहुमत से हमारी 303 मतलब सीटें आई, तो मतलब बहुमत हमारे साथ था, तो निश्चित रूप से मतलब जो सब, लेकिन हैं कुछ लोग शायद वोट बैंक की जो राजनीति 70 साल से हो रही है उसका ये परिणाम है, क्यों वो 370 पे कुछ नहीं कर पाए, 3 तलाक पे कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि बोलने को कुछ नहीं था, उनको वोट करना था तो वो संसद में था। ये खाली बात वो नहीं है, मतलब इसमें उनको क्योंकि वो लोग शिक्षा है, उन लोगों के इतने छोटे छोटे बच्चे किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं।